अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद हसन। आप लोग सैयद हसन यूट्यूब चैनल देखें। आज की वीडियो में बड़े मज़ेदार मौजू पर बात करूँगा और बात करेंगे आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे इसको मुस्बत बनाया जाए, कैसे इसमें और ज़्यादा तरक्की की जाए, इसके हवाले से बात करेंगे। उससे पहले चैनल में जितने भी दोस्त पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कॉमेंट करके बताएँ कि आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। तो सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आप इसमें यूट्यूब भी है। डिजिटल मीडिया की बात की जाए, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। गूगल की बात कर लें, उसमें आपको बहुत सारे डाटा मिल जाता है, न्यूज़ मिल जाती हैं, खबरें मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स मैचेस मिल जाते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाती है। फिर आप ऑनलाइन अगर बात करते हैं तो आजकल तो ग्रॉसरी भी लोग ऑनलाइन करते हैं, इसकी ये बड़े बेनिफिट्स हो गए हैं। अगर हम आज के दौर में बात की जाए, अब बहुत से लोग ऐसे जो कि ओल्ड जनरेशन से हैं, जिनको इन चीज़ों का आइडिया तो है लेकिन उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। उनको इस्तेमाल करना कैसे आता है, ये बड़ा मज़ेदार सी चीज़ है कि पहले वो नोकिया के फ़ोन होते थे, कीपैड वाले, बटनों वाले, और अब माशाल्लाह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे, फिर लैपटॉप्स आने लगे, कंप्यूटर बड़े ज़बरदस्त आने लगे, एंड्रॉयड लैपटॉप्स आने लगे, आईफोन जो है वो बड़े नेक्स्ट लेवल पर चले गए। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, उसने तरक्की की है। अब इसका जो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके बहुत सारे हैं। पुराने वक्तों में होता क्या था कि जब लोगों ने एक दूसरे से रब्ता करना होता था तो खतों का इस्तेमाल होता था। एक जगह से खत जाने में कई कई महीने, कई कई साल लग जाते थे, कई कई दिन लोग इंतजार करते थे अपने प्यारों के जवाब का, जो उनसे सलाम दुआ की जाती थी उनके जवाब आने का इस्तेमाल होता था, फिर डाकिया इस्तेमाल होता था। अब ये चीज़ बहुत आसान हो गई है। वो कैसे, आप लाहौर में बैठे आप जर्मनी में वीडियो कॉल कर लें, आप फ्रांस में वीडियो कॉल कर लें, आप कहीं पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, बड़ा इसका ईजी वे हो गया। फिर ऑनलाइन जॉब्स बहुत अवेलेबल हो गई हैं, इसमें अर्निंग के बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, ज़राए ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ इंगेज करके खुद को अपना एक जो टैलेंट है उसका लोहा मनवा सकते हैं। तो ये बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के, इसका इस्तेमाल बड़ा पॉजिटिव वे में भी होता है। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब एक नेगेटिव वे में इसकी यूटिलाइजेशन देखें सोशल मीडिया की, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, होता क्या है कि हम कुछ ऐसी वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आजकल देखा होगा आपने, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि हादसाती तौर पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी वीडियो बनती है और वो सोशल मीडिया पर चली जाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, और वहाँ पर लोग उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर आपकी जो पर्सनल वीडियोज हैं, घरेलू वीडियोस, वो भी अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। अब इसको कंट्रोल किया कैसे किया जा सकता है? पेम्बा ने तो इसके हवाले से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अगर हम देखें सोशल मीडिया पे कि आप इस तरह की वीडियो, यूट्यूब पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं, हमारे ऊपर भी पाबंदियाँ हैं कि आपको इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, इस तरह का कॉन्टेंट, कॉपीराइट म्यूजिक नहीं डालना, तो किस तरह से पाबंदियाँ हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हम इंसान ही हैं जो कि कोताही करते हैं और कोताही से सीखते नहीं, सीखने का अमल हमेशा हमारा चलता रहता है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो कि सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन से थी, कैसे इसको पॉजिटिव बनाया जाए। पॉजिटिव मैसेज सोशल मीडिया के हवाले से दीन इस्लाम में दिया जाता है, जो कि मैंने देखा है, जो कि बड़ा पॉजिटिव है कि हम देख आमतौर पर हम देखें कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम एक मैसेज कर देते हैं कि भी फलां जो सहाबा हैं या इस तरह का जो बात है वो काफ़ी आप कह लें कि नेकी के जुमले में आती है, तो उसको लोग एक अच्छा एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो पॉजिटिव वे में मैसेजेस करें, पॉजिटिव वे में फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे वीडियो डालें,
आपको पॉजिटिव रिजल्ट और रिवॉर्ड उसका अच्छा मिलेगा। आई होप सो मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। स्पेशली ये यूथ के लिए मेरा मैसेज था कि यूथ जो है पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूँ। मैं हूँ सर, इजाज़त दिया।